आपकी तलाक हो जानी थी। क्यों? क्योंकि तुम काला जादू करते हो। क्या हाल है दोस्तों, आज तुम सोच रहे होगे कि क्या हो रहा है मेरे रूम में। आज बहुत स्पेशल दिन है क्योंकि आज जो है मैं पूरा जो मेरा लिविंग स्पेस है और स्टूडियो जो भी है, जो भी मैं यहाँ पे करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, उसको पूरा रिवैम्प कर रहे हैं। उसका मतलब ये है कि हम सारा डिफरेंट करने वाले हैं। मैं जो हूँ तंग हूँ अपनी लाइफस्टाइल से, जो अभी मेरी लाइफ में हो रहा है, मैं उस चीज़ से बहुत तंग हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पीछे मेरे बेड दिख रहा है, मैं तकरीबन कोई 24 घंटे में से 12 घंटे जो है बस के ऊपर टाइम जो है स्पेंड करता हूँ। सोता हूँ जब कोई काम नहीं होता, कोई फ्री होता हूँ, कोई म्यूजिक वीडियो शूट होता है वहाँ चला जाता हूँ, जब वापस आता हूँ फ्री होता हूँ इस पे आगे लेट जाता हूँ, जो कि गलत बात है। मुझे जो है वो काम करना चाहिए पर मैं लेट जाता हूँ फालतू में, पता नहीं क्यों। तो ये जो है ये जाएगा, आज ये निकाल रहा हूँ, बेड पे मैं नहीं सोने वाला। और सेकंड जो है वो ये टेबल कोई मेरी दादी के जहेज का है, जो कि ये भी जाएगा क्योंकि जगह घेरी हुई है, फालतू में ऐसे पड़ा हुआ है। और ये एक जो मिरर है यहाँ पे जो सामने दिख रहा है, ये जो मिरर है ये भी जाएगा। ये जो पीछे इतनी बड़ी कैबिनेट दिख रही है, इसको मैं इस तरह करूँगा कि इसको सीधा लेटा देंगे, ताकि जो मैं यहाँ पे चार्जिंग स्पोर्ट बनाऊँगा, जो चार्जिंग मैं अपनी मतलब इक्विपमेंट में जो चार्ज करता हूँ वो करता हूँ, यहाँ पे ग्रीन टी सेंटर बनेगा जहाँ पे सिर्फ ग्रीन टी के लिए जो है वो इलेक्ट्रिक जो केटल है वो रखी जाएगी, और बाकी भी सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। और सेकंड ये है कि ये जो मेरा वर्क स्टेशन है जहाँ पे मैं बैठ के काम करता हूँ, वो जो कंप्यूटर वगैरह ये यहीं पे पड़ा रहेगा। और यहाँ पे जो बेड की जगह है, यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि मैं दो सोफे ला के रखूँ, और यहाँ पे एक न्यू जो है शो मैं एक इन्वेंट करने वाला हूँ, जो कि मैं अभी तक तो सोच रहा हूँ पूरा नहीं हुआ। ओके, मैं अब नहीं बताऊँगा वो कि वो कौन सा शो होने वाला है, क्या होने वाला है, सब कुछ वो तुम लोग गेस करके नीचे मुझे कॉमेंट्स में बताओ कि कौन से शो की मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। पॉडकास्ट नहीं है, पॉडकास्ट हर यूट्यूबर करता है, मैं पॉडकास्ट नहीं करने वाला, कुछ यूनिक करने वाला हूँ, सोचो क्या है वो। और ये जो पीछे ये जो अलमारी दिख रही है, इतनी पुरानी अलमारी है, मेरे नाना जब आर्मी में थे तब उनके जो कर्नल थे उन्होंने उनको गिफ्ट की थी, तो अभी यहाँ तक पड़े हुई है। और सब लोग मुझसे पूछते हैं कि जाजे भाई जो आप पत्थर उठाते हैं, जहाँ पे भी आप जाते हैं एक एक पत्थर आप उठा लेते हैं, वो कहाँ पे होते हैं? ये सामने, जिस तरह ये जो है यहाँ पे, ये जरदालू, जब मैं गया था जरदालू में मैंने डेट भी लिखी हुई है, वहाँ से मैंने पत्थर उठाया था। और ये जो है फोर्ट मनरू से मैंने पत्थर उठाया था, और मतलब पूरे बलूचिस्तान से जो पत्थर हैं, ये जो है खेड़ा सॉल्ट माइन, वहाँ से पत्थर उठाया था। ये बाय द वे नमक है, पत्थर नहीं है, नमक का पत्थर है। ओके आगे भाई, आप क्या कहते हैं कि यहाँ पे पेंट जो मैं सोच रहा हूँ कि ये जो दीवार है, ये पीछे जो मेरी दीवार है और ये वाली जो दीवार है, इसका जो पेंट है वो चेंज किया जाए, कौन सा पेंट किया जाए? पारा भाई से पूछते हैं, पारा भाई आने रस्ते में। हम इस पे ग्रे कलर का पेंट करना चाहेंगे, ग्रे कलर बहुत बहुत प्यारा लगेगा, और डार्क ग्रे या मैट ग्रे कलर। मैं अभी तुम लोगों को दिखाने लगा हूँ कि रूम सब कुछ करने से पहले कैसे है, फिर मैं इसके बाद में दिखाऊंगा कि रूम बाद में कैसे है। वाइड एंगल लेंस उठा लेते हैं। ओके, ये जो रूम है ये सारी अलमारियाँ पड़ी हैं, वो जो सामने है लाइट है, मतलब ये जो पूरा रूम है फिलहाल ये रूम का हाल है, और ये हो तुम लोग, तो मतलब ये रूम का फिलहाल हालत है, और देखते हैं कि रूम जो है बाद में कैसा होता है। ओके, ये कैमरा मैंने यहाँ पे माउंट कर दिया है ताकि तुम लोग सारा देखो कि क्या हो रहा है। ये कैमरा बंद नहीं होने वाला, ये कैमरा यहीं पे होना है। बजरी डाली पत्थर, कैसे आप? ओके, पारा भाई आ चुके हैं। पारा भाई, कैमरा में अपनी शक्ल आपने नहीं दिखाई यार, आप बता तो क्या करो, आप फिर हो जाए। नहीं, कैमरा ऑन है, कैमरा वो लगा हुआ सामने, एक कैमरा ही है। पारा भाई, मैं जो चाह रहा हूँ ना वो मैंने आपको कल बता दिया था कि मैं चाह क्या रहा हूँ। आप ये मुझे बताएं कि इस दीवार के ऊपर कौन सा पेंट अच्छा लगेगा, इस पे और वो सामने वाली पे? इस पे मैं आपको बताता हूँ कि आपने जिस तरह आप सोच रहे हैं, जो प्लानिंग आपने करनी है, हाँ जी, उसके लिए ग्रे कलर कर ले, ग्रे, डार्क ग्रे, आकिब ने भी ये बोला, हाँ जी ग्रे कलर कर ले। लेकिन किसी को बताना नहीं है कि हम प्लानिंग कौन सी कर रहे हैं, प्लानिंग अभी नहीं पता चलेगी, ये दो हफ्ते के बाद पता चलेगी कि प्लानिंग हो क्या रही है जब वीडियो आ जाएगी यूट्यूब। आपको पता है हमारे फैंस बहुत तेज हैं, वो मिनट में बता देते हैं। मैंने पिछली बार क्या हुआ कि मैंने बोला कि मैं पेपर दे रहा हूँ बीएड के, जो पिछली वीडियो थी, तो मैंने उसमें बोला मैं बीएड के पेपर दे रहा हूँ, तो किसी को नहीं पता था मैं बीएड के पेपर दे रहा हूँ, मुझे इतने कमेंट नीचे आए। और अगले बंदे ने, एक बंदा था उसने बताया भी कि आप यहाँ यहाँ पे बैठते हो और ये वाले स्कूल में आप बीएड के पेपर दे रहे हो। मैंने कहा यार वाह, मुझे इतना नहीं पता था मेरे बारे में जितना इन लोगों को पता है मेरे बारे में, पता नहीं कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। सही है, आपने पेमेंट, कौन सी पेमेंट? ये जालों की और इसकी पंखे, मुझसे पैसे मांगे थे तो मजाक छोड़िए, मिट्टी मिट्टी होना होता है। मैं तेरे साथ नहीं, मैं तेरे साथ नहीं हो रहा, नहीं मुझे करना, तू हट जाएगा पीछे।
ओके, लास्ट टाइम जो है वो मैंने बोला था कि मैं ये चेयर को जो है वो फारिग करने वाला हूँ, और आज जो है ये चेयर फारिग हो जाएगी। मैंने चेयर देख ली अपने लिए, अच्छी है, कंफर्टेबल है, जो कि मुझे चाहिए ताकि मैं पूरा दिन जब उस पर बैठ के एडिटिंग करता हूँ तब बहुत अच्छा मेरे लिए जो है सुकून हो। ये नहीं हो कि मेरी कमर दर्द हो रही है, क्योंकि मैंने जो एक सर्वे था वो पढ़ा था कि जो लोग बैठते हैं, जो ज़्यादातर ड्राइवर्स होते हैं या जो वीडियो एडिटिंग करते हैं, उनको हार्ट अटैक का खतरा जो है वो ज़्यादा होता है। चेयर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि कुछ भी हो जाए आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है। और एक टिप मैं देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग एडिटिंग करते हो या ज़्यादातर बैठे रहते हो, तो इस तरह करो कि 5 मिनट एडिटिंग करो, 2 मिनट चलो फिरो उठ के थोड़ा सा, उसके बाद फिर बैठ जाओ। हेल्प करता है बहुत ज़्यादा ये इंसान के लिए। दादी तेरे से कितना प्यार करती है ना? क्यों? देख कितना तुझे सामान दे दिया उसने। ये दादी ने स्मगल, मेरी दादी स्मगलर थी। स्मगल, ये स्मगल का सामान है सारा। मैं कह रहा था इसको, हाँ इसको आगे ले आना। पे लाइट चली गई है और खाली ये वाली लाइट चल रही है क्योंकि यूपीएस पर पंखा चल रहा है, बाकी लाइट मैं चला नहीं सकता क्योंकि 1000-1000 वाट है। मैं पता नहीं दिख भी नहीं रहा हूँ, कितना हॉरर लग रहा है यार यहाँ पे। तो जब तक लाइट आती है तब तक देखते हैं, लाइट के बाद मैं बताता हूँ कि कितना हम लोगों ने काम कर लिया और कितना काम रहता है। ओके, मिट्टी हो गए हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं पेंट लेने के लिए। और एक दीवार के लिए कितने डब्बे पेंट चाहिए? तकरीबन एक डब्बा हाफ। एक डब्बा हाफ, ये क्या? हाफ डब्बा। अरे भाई कौन सा पेंट लेना है, टोकन वाला? यार नहीं, बगैर टोकन। क्यों टोकन से होशियार? टोकन फिर भी निकलता है। आपने कभी खरबूजा खरीदा और आप हमेशा दुआ करो कि दुआ करो खरबूजा मीठा निकले, मीठा निकलता दुआ किया करो। हम कलर पसंद कर रहे हैं, कौन सा वाला? मैं ये कह रहा हूँ डार्क ग्रे। डार्क ग्रे कलर, इससे रिफ्लेक्शन होगी, मैट होएगा। ओके, कलर चूज हो गया और पेमेंट करते हैं और वापस घर चलते हैं। ओके, पेंट आ चुका है, पसीने से हम लोग भर चुके हैं। अब इस दीवार का ये जो पेंट है इसको रगड़ रगड़ के उतारना है, और ये जो ग्रे पेंट है ये करना है। बहुत मेहनत लगने वाली है, लाइट भी नहीं है, पंखा भी नहीं है, अभी से पसीना आ रहा है, पता नहीं क्या होता है। चलो यार, ओके, तकरीबन 2 बजे के शुरू हुए हैं हम लोग और 5 बज चुके हैं अभी तक, सिर्फ खुरचने का काम जारी है। मुझे लगता सारी रात यहीं पे लग जानी आज हमें। व्लॉग करना है मुझे, व्लॉग करना है। कुछ मजा आए ना, आए ना काम में, ये जो उतर ना, ये इजाज में जो गंदा, अब ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये आए, हाय 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 बात यार। आगे मैं ऐसे कर रहे हैं हैं, मैं देख रहे हैं आप? हाँ जी, ये मैं फिलिंग कर रहा हूँ दीवार पे। इससे क्या होगा, जो दीवार, जो हमारे पीछे जो इसके दीवार के वॉशरूम है, तो उसे ये गीला गीला होकर दीवार देखें, काफ़ी वो हुई हुई है, गीली हुई है, वेट हुई हुई है। तो हम इसको फिलिंग करेंगे ताकि ये A1 हो जाए, इसके ऊपर जब पेंट करेंगे तो बिल्कुल प्लेन सरफेस होगा हमारे पास। इन्होंने इंजीनियरिंग की है 4 साल की, इनको अपने इंजीनियरिंग का कुछ, और इंजीनियरिंग का कुछ नहीं पता इन्हें, लेकिन इनको इस चीज़ का पता है कि पेंट कैसे करते हैं। देखिए, जिसमें आगे फ्यूचर लिखा होता है बंदे ने वही करना होता है। मैं कह रहा था यार, मैं सुबह उठाऊँ ना फ्रेश होने के लिए, वॉशरूम गया हूँ, सामने वाले प्लाजे में कोई 8-9 बंदा जो है ना ब्रश कर रहा था, अजीब अजीब हरकतें यार। मैंने कहा पता नहीं खुदा माफ करे क्या हो गया। अरे भाई आप क्या कहते हैं मेरे पेंट के स्किल्स के बारे में? यार अच्छा काम करते हैं, मुझे लगता है पहले करते रहे हम। हाँ जी, ये 3 साल साइकिलों का काम करने के बाद 4 साल मैंने इसका काम किया है, और उसके बाद जाके आप एक अच्छे ब्लॉगर बन सकते हो। इस प्रोफेशन में ना पारे भाई को मेरे अभी बोला कि पारे भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना उलझन हो रही है, आंखें जल रही हैं, बाल खराब हो रहे हैं, तो पारे भाई
फुल स्पाइडरमैन बन के आए हुए हैं, क्या कहेंगे आप? यार ये सही रहता, वो सांस नहीं आ रहा, मर जाएंगे। पर भाई नेट ने लाइव जाते हैं, क्या बोलते हैं? नेट नेट आ ही नहीं रहा यार। क्यों नेट ही नहीं आ रहा? इतना गंदा पीटीसीएल है। इंस्टाग्राम खोले आधे घंटे से अक्षय की तस्वीर ही नहीं हट रही। हट जा हट जा हट जा, नहीं वो पैकेज किए शुरू पर हटी है। जी मैं जिंदगी आधे घंटे से अक्षय की तस्वीर देख रहा है आधे घंटे। अरे ट्रू फैन बना हुआ है अक्षय का। आइए देख फिर आ गया सामने, ये देख जो है वो पेंट हो चुका है, एक कोट हो चुका है पेंट का, दूसरा कोट करने लगे और पारा आखिर के पीछे और ऐसे रख इसका मुंह। ओए लाओ मैं कैच करूंगा कांडी बिस्किट। ये ऊपर से पता नहीं क्या क्या गिर रहा है, हर तरफ कौन है कौन। लाओ लाओ, ओ मेरे दोस्त की शादी का कार्ड भी इधर पड़ा हुआ है। ओए 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 मेरे सपने चकमा चुरू। ओए आराम से, ओए आ गई थी इधर आ इधर इधर उठाइए बैठ। मैं कह रहा हूं नीचे लेके क्यों उठाया था? नीचे क्या नीचे लेके जाना था दी। ओके पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि पारा भाई गाड़ी वाला डांस करके दिखाएंगे, अगर 200 कमेंट हो गए तो 200 कमेंट नहीं हुए, 180 कमेंट्स हुए हैं, उसमें पारे भाई को बोला है लोगों ने कि डांस करके दिखाएं, तो पारा भाई एक वो वाला डांस तो करके नहीं दिखाएंगे, तो जो छोटा वाला डांस है पारे कौन सा वाला? नहीं करना नहीं। वो भी करा था ना कर दिया वाला। चल गैसा यार वो ओके पारा भाई भी करने लगे। चले पारा भाई 1 2 3 तैयार तो होने दिया करो। कल भी आ गैस वाला, कल भी आ गैस वाला, कल भी आ गैस वाला, कल वाला गैस वाला तो कल चला गया वापस। ये देखिए ना कितनी फजूल स्पाइडरमैन। पारे शुक्र है मेरे को बीवी नहीं है, नहीं तो उसने क्या बोलना था ये पेंट किस तरह हो गया। ओ ये तो कलर बहुत गंदा है, मुझे तो ये कलर पसंद ही नहीं, तुम कलर चेंज करो वरना मैं घर छोड़ दूंगी। इस गल्ला तो कार छोड़ देंदिया ने। अगर हूं अगर अभी बीवी होती ना अभी तलाक हो जानी थी। क्यों ये नहीं पता तो तलाक हो जाते अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तलाक हो गया, पेंट आपने उसकी मर्जी का नहीं किया, तलाक हो गया। ये जिस तरह काला पेंट पीछे नजर आ रहा है लाइट में तलाक, ये मैं तुम काला जादू करते हो। ओके खवारी के बाद तकरीबन कोई 9:30 बज रहे हैं रात के, और हम लोगों ने स्टार्ट किया था कोई 2 बजे, और बहुत बुरा हाल हो गया, सच में बहुत बुरा हाल है। मैं दिखा देता हूँ कि कैसा लग रहा है रूम, हल्का फुल्का सफाई कर ली है काफ़ी, और ये कैबिनेट इधर आ गई है जिस तरह मैंने बोला था, और ये जो है दीवार ये भी अभी तक सूख रही है, अब तक कलर नहीं, कलर अब तक सूखा नहीं है तो इसलिए इस तरह लग रहा है। और आकिब और पारा जो है वो खाना लेने गए हैं, आते हैं खाना खाते हैं फिर डे 2 पे चलते हैं। कल क्या होता है? कल सोफे आएंगे, चेयर आएगी मेरी नई कंप्यूटर टेबल वाली, और बस कल देखते हैं कल जो स्टूडियो में सोच रहा हूँ उस तरह बनेगा कि नहीं बनेगा। ओके रात को पता नहीं मैं कितना बजे सोया था, लेकिन रात को बिल्कुल भी होश नहीं थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस लेटा हूँ और नींद आ गई। इतना थका हुआ था, कमर दर्द हो रही थी, पाँव के जो तलवे हैं वो भी दर्द हो रहे थे पेंट कर करके, पेंट जो है अभी सूख गया, और आज चेयर लेके आनी है, सोफ़े लेके आने हैं, और देखते हैं कौन से लेके आते हैं, और उसके बाद आज सेट करेंगे, और आज मैं दिखा दूंगा कि मैंने जो सोचा था मेरी जो विजन थी वो कैसी होगी, देखते हैं। ओके डे 2 की रात है, तकरीबन कोई 7:32 हो रहे हैं, और रूम तकरीबन तैयार है, कुछ चीज़ें रह गई हैं जैसा ग्रीन टी सेंटर वो रह गया है, और काफ़ी चीज़ें जो रह गई हैं जो मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह का रूम लग रहा है। और बहुत मेहनत लगी है यार इसके ऊपर, सच में मैं सोच रहा था कि हल्की सी चीज़ों की मिनट में कर लेंगे लेकिन नहीं हो पाई, और मेरे पीछे जिस तरह देख रहे हो कि सारा सेटअप जो है वो मैंने कर दिया, तो देखो और मुझे बताओ कि कैसा लगा है, पहले कैसा था और अब कैसा है, तुम्हें पसंद आया कि नहीं पसंद आया।
यार इतना पसीना आ रहा है ना मुझे कि मैं दो दिन हो गए नहाया नहीं, अब जाके मैं नहाने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं वो काम करने लगा, और अगर तुम चाहते हो कि मैं एक एक चीज़ का टूर करूँ अपने रूम में, एक एक चीज़ दिखाऊँ मैं क्या यूज़ करता हूँ, माउस कौन सा यूज़ करता हूँ, कीबोर्ड कौन सा यूज़ करता हूँ, पीसी कौन सा यूज़ करता हूँ, कैमरा कौन सा यूज़ करता हूँ, ऑडियो कौन सा यूज़ करता हूँ, हर चीज़ के एक एक बारे में अगर तुम लोग जानना चाहते हो रूम स्लैश वर्क टूर जो भी चाहते हो, अगर तुम लोग चाहते हो तो नीचे कॉमेंट्स में बता दो, मैं अगली वीडियो जो वो बनाऊँगा, अगली नहीं अगली से अगली मैं वो बनाऊंगा। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मैं सारे वीडियोस हर हफ्ते बनाता हूं, मुझे लाइक कर दो, फेसबुक पे फॉलो कर दो, इंस्टाग्राम पे, और मैं तुमसे मिलता हूं अगले हफ्ते। बेल आइकन मारो यार, बाय। I'm here for the